टाइम 7 मिनट है, चालू है मैच। चलिए सुनवानी बनाओ और एक फिर पूरा पर के खिलाड़ी पहलवान फंस गए बेचारा, कोर्ट की वजह से फंस गए, कोई गलती थी नहीं, पैर सरक गया, कोई बात नहीं, धैर्य के साथ खेलेंगे, अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो कोई भी टीम इनसे बच कर लाना पड़ेगा, ये करंट है। आशुतोष पहलवान भाई कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं। देखिए 10 रन का हल्ला, फाइनल मैच का मुकाबला अपने में आपस। पहलवान भाई ईमानदारी से खेलते हैं, किसी प्रकार की लफड़ा नहीं। भाई अगर खिलाड़ी सपोर्ट करेंगे अंपायर का तो निर्णय भी सही मिलेगा, ईमानदारी से खेले बस। और 5 खिलाड़ी है तो वो काफी सरदार पहलवान काफी सरदार यार, अकेले डिफेंस आतू को, और एक पॉइंट आतू को पकड़ लेंगे तो आधा गेम। और फिर चालू पूरा करके रेडर जो अपने दम पे टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाए, और धीमे को एडवांस देकर बहुत ही खतरनाक की थी। फिर से आतू वापस आ गए, थोड़ा खिलाड़ी को अपना आराम से, ब्लड तो नहीं आ रहा है, मिट्टी निकाल लो भैया। चलो 5 पॉइंट 5 प्लेयर में बोनस वैसे भी नहीं होगा, स्कोर है 3-1, कोई ज्यादा नहीं है, धैर्य के साथ खेलना चाहिए दोनों टीमों को। बहुत ही जबरदस्त टीम फाइनल के लिए लड़ती हुई आसू, जो ये भी सुनवानी को काफी अकेले रेट करते हुए, लेकिन डिफेंस भी काफी खतरनाक सुनवानी की तरफ से। पहलवान एक बार फिर, पहलवान से काफी दर्शक खुश, पहलवान ऐसे ही दर्शक अगर प्लेयर का उत्साह बढ़ाए तो काफी गेम गिर गया। और फिर से पहलवान एक बार बोनस की ट्राई करते हुए, लेकिन पहलवान को पकड़ने में थोड़ा सुनवानी की टीम जोखिम नहीं उठा रही है। फिर से आसू एक बार, स्कोर है 3-1, खाली रेट गया था। सेकेंड ओ अब की बात, जल्दबाजी पहलवान जल्दबाजी कर गए। 4-1 पूरा पर, अभी भी टीम काफी बिछड़ी नहीं हुई है, 4-3 का कुछ नहीं है पॉइंट, अगर धैर्य के साथ खेले तो अभी वापसी कर सकती है। पहला हाफ चल रहा है, 7 मिनट का गेम है, बहुत सही सपोर्ट मिले तो, लेकिन हमारे हिसाब से वो नहीं 1 पॉइंट 1 पॉइंट। आसू बहुत ही ईमानदार खिलाड़ी है, वो जानते हैं हम कितने लोग को छूकर आए थे यहाँ पे। अगर अरे बहुत ग्रेंट बात खिलाड़ी, अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ही आउट होंगे, ऑल आउट होने का अगर टीम को आप 6-1 पॉइंट हो गया है 5 से आगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत का गेम है, मेन लीडर आउट है पूरा पर का। और यहाँ पे ये वापसी कराते हैं तो मैच बन सकता है, लेकिन यहाँ पे भीम काफी खतरनाक कॉर्नर से खेलते हुए यहाँ आल आउट, स्कोर हो गया 10-1। अब पहलवान अपने टीम को वापसी कराएंगे, अभी पहला हाफ है, अगर इसमें 4-5 भी पॉइंट ले लें तो सेकेंड में मैनेज कर लेंगे। स्कोर सुनवानी को अब नहीं देना चाहिए, अभी 2.5 मिनट का खेल बचा है, फिर वापसी
हाथ एक बार, अगर इनको पकड़ लिया जाए तो चुनवानी की टीम आधा तो ऐसे ही पैर में कुछ प्रॉब्लम हुआ आंसू का टाइम भी। बारह ग्यारह दस और ऐसे भी फिर से एक बार रेडर पूरा पर, अगर ये कुछ करते हैं तो टीम इनकी वापसी कर सकती है। और बहुत सही, देखिए ईमानदारी से बताएंगे कोई भी पॉइंट एक पॉइंट मिलेगा। सुनाने की टीम अब तक बहुत ही अच्छा गेम खेलती आ रही है, टच पॉइंट कुछ भी हो ईमानदारी के साथ दोनों टीमें खेल रही है। यहाँ पे बोनस का प्रयास है लेकिन रेफरी महोदय देखे हैं अगर यहाँ पे डिफेंस तगड़ा रहेगी तो आंसू को पकड़ जाएगा, बोनस रहेगा बिल्कुल। हाँ बोनस है पूरा पर की टीम थोड़ा मायूस होती हुई उत्साह के साथ खेलती, दर्शक का भी सपोर्ट। अगला मैच तैयार रहेगी आर्यन एकेडमी और लास्ट रेड मात्र 20 सेकेंड। सर गहरी और आर्यन हाथों को पकड़ना, इतना अभी टाइम है, एक रेड चलेगा। स्कोर हो गया है 13-2। इसके बाद रेट किसी का नहीं होगा, हाफ टाइम हो जाएगा, लास्ट ही रेट है। परवान को काफी सपोर्ट मिलती हुई दर्शक घर से, फिर भी अभी कोई पहला आप खत्म हुआ, दूसरा आप चालू आंसू रेट पे सुनवानी की तरफ से। स्कोर हो गया है 13-2। पांच प्लेयर में कोई बोनस का चांस नहीं है। और अगर ये कुछ अच्छा खेलते हैं तो अपने टीम के लिए निश्चित तौर से फाइनल की तरफ दिखाएंगे। अभी बहुत टाइम है, मात्र 11 पॉइंट का फैसला, 11-13। फिर से आंसू एक बार, अगर आंसू को पकड़ लेते हैं तो सुनाने ऑल आउट होने की संभावना हो सकती है। लेकिन पहलवान भाई जल्दबाजी चैन अच्छी तरह से आई नहीं। अगला मैच जो होगा आर्यन क्लब, सब गहरी तैयार है भैया, काफी लेट हो चुका है। फिर से एक बार पॉइंट नहीं ले पा रहे हैं, लकी अब की बार मिल गया 2 पॉइंट। स्कोर हो गया 8 एक बार फिर से, ओ काफी अच्छी कोशिश जिला का नंबर। अगर आगे से कोई खिलाड़ी आता तो ब्लॉक हो जाते, फरिया ले तो टांग टांग पटकी, लेकिन छोटे करके आंसू काफी फुर्तीले नजर दिख रहे हैं फरिया से खेल ले। अभी हाँ फाइनल की नजर, जिला का नंबर वन टीम में फाइनल में जाने के क्लियर हो रही है धीरे धीरे सोनाली का। गरम ना हो रोजला जनस भिड़ रहा, अब की बार पहलवान कुछ कर नहीं पाए अपने टीमों के लिए। फिर एक बार साढ़े चार मिनट का बैठे जा भैया, आराम से मैच हो जाए, एकदम बढ़िया आराम से
अभी इस तरह से कंटिन्यू रेड करते हुए आंसू जो अपनी टीम को फाइनल की राह दिखा रहे हैं। दो ढाई थर्ड रेड रेडर को कुछ करना पड़ेगा, खाली हाथ आएंगे तो बात बनेगी नहीं, आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बोनस का लेकिन आंसू बहुत खतरनाक दिख रहा है। 16-4 काफी अंतर, समय 3.5 मिनट, दो ढाई बहुत ही खतरनाक रेट 10 नंबर 10 से। जहां तक लग रहा है कि फाइनल में सुनवानी प्रवेश कर जाएगी। 17-4 सुपर टेक ऐलान रहेगा, सुपर टेक ऐलान आशुतोष से एक बार फिर बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक आशुतोष जंप भी कर रहे हैं, ब्लॉक को तोड़ भी रहे हैं। और इस तरह से ब्लॉक फिर से एक बार ऑल आउट, टाइम बचा है अभी 2 मिनट 20 सेकेंड। 22-4 हो गया, अगला टीम तैयार हो जाए भैया। आर्यन एकेडमी और सगदेहरी, 2 मिनट बचा है बस, वो भी मैच काफी टक्कर का होगा। और रेड पूरा करके बहुत ही मेहनत किए अकेल, बहुत अच्छा रेड मात्र 1.5 मिनट। आंसू अच्छे खिलाड़ी थे, थोड़ा सा चोट लगी है उनको भाई, अभी फाइनल खेलना बाकी है। अगर वो चोटिल हो जाए तो सुमानी को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि रेडर इकलौता सुनानी की तरफ से बहुत ही खतरनाक जंप, लेकिन सफल नहीं हो पाए। डिफेंस बहुत तगड़ा और एक बार पहलवान, पहलवान का दर्शक कमाल, पहलवान काफी मजेदार गेम खेलते हुए एक बार फिर वापस, पहलवान काफी 2 पॉइंट, हाँ पहलवान 2 पॉइंट मिलेगा आपको। बस लास्ट पॉइंट एंड लास्ट 20 सेकेंड बचा है, अगर काट लेंगे तो हो जाएगा लास्ट ही। छ 5 4 3 2 1